अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा एमआरपी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शासन से एमआरपी पॉलिसी बनाने की मांग की जाएगी ताकि ग्राहकों को उचित मूल्य में सामग्री मिल सके। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनकर सबनीस मीडिया से चर्चा करते हुए कहे कि इस वर्ष एमआरपी विषय को लेकर समाज के बीच में जा रहे और हमारा यह कहना है कि एमआरपी लिखने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, किसी चीज की मांग कितनी है उसके आधार पर एमआरपी तय नहीं होना चाहिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट। और वो इस वर्ष हमारा प्रमुख विषय उसको हमने माना है, वो इसलिए माना है कि इस विषय में हमें सरकार से बात करनी है और सरकार से बात ये करनी है कि एमआरपी जो लिखी जा रही है ये वास्तव में महंगाई को बढ़ाने का कारण है। ये जो एमआरपी लिखी जा रही है इसका कोई फार्मूला नहीं है अभी तक, कितने में एमआरपी लिखी जाएगी उसका फार्मूला क्या रहेगा, ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। वो चीज़ बनी कितने में है, वो चीज़ अगर मान लीजिए कि 2 रुपए में बनी है तो 2000 एमआरपी क्यों लिखी है उस पर, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जिसकी जितनी मर्जी होगी उतना वो करेंगे। ये जो ब्रांडेड वगैरह जो चीज़ है ना, ये इसी के आड़ में चलते हैं ये सब, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। और इसलिए हमारा कहना है कि एमआरपी पर पॉलिसी बने। इसमें एक विषय आता है जो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा और विज्ञापनों के माध्यम से हम देखते हैं कि एमआरपी पर आपको बार्गेनिंग करने का अधिकार है, एमआरपी से ऊपर कोई नहीं बेच सकता है। लेकिन हमारा विषय यहाँ तक सीमित नहीं है, वो जो बता रहे हैं ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, ये ग्राहक को समझना ही चाहिए। एमआरपी से ऊपर कोई नहीं बेच सकता, ये बात सही है, लेकिन एमआरपी लिखेंगे किस आधार पर, ये इसके बारे में मौन है। और इसलिए सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। इसमें सरकार को भूमिका निभाने के लिए पहले हम समाज में जागरण करना चाहते हैं, इसमें कि समाज में ये विषय चर्चा में आए। चर्चा में आएगा तो समाज तो सरकार पर भी एक दबाव बनता है कि समाज के मन में ऐसा कुछ है तो उसको लेकर हल करने के लिए प्रयास होना चाहिए। अब कोई बात ऐसी होती है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे बताएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जब बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे कितने प्रकार के खर्चे होते हैं, कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं, अब हम आपको कैसे बता सकते हैं, हम इसको ऑन पेपर नहीं ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, वो भी जोड़ लेना चाहिए। कोई ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा सामान जाने के बाद में कुछ रास्ते में डैमेज हो जाता है, उसका भी नुकसान हमको ही उठाना पड़ता है, फिर कुछ चीज़ें वापस आ जाती है लौट के उसका भी उठाना पड़ता है। हम कहते हैं चलो ठीक है, उसको भी जोड़ लीजिए आप उसके बाद। और आप अगर इस पर मौन है, आप बताना नहीं चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, तो आपने पहला बिल किस आधार पर बनाया है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस FSP, ये किस आधार पर आपने बनाया है, तो वो घोषित कर दीजिए आपकी ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है आपका। यानी आपने कोई चीज़ बनाई है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बता सकते, आपकी मजबूरी आपने बताई, वो मजबूरी हम भी समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी पहला माल तो किसी को देते होंगे आप, चाहे वो थोक वालों को देते होंगे, चाहे किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को देते होंगे, किसी को देते होंगे, पहला जो आप उत्पादन के बाद में जो पहला बिल निकालते हो आप, वो पहला बिल क्या है वो ही बता दीजिए। अमेरिका में एप्पल फोन सबको पता है, तो उस